हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है? पोर्टल मेथड। ठीक है, इस फ्रेम को हम सॉल्व करेंगे किससे? पोर्टल मेथड से। तो पहले, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमारा दो एजम्पशन होते हैं इसके। ठीक है, उस एजम्पशन पे क्या होता है, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहला एजम्पशन क्या होता है हमारा, कि जो हमारा जो ये सेंटर ऑफ फ्लेक्सर पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हर मेंबर के क्या होता है, मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, मिड पॉइंट पे ये कंट्रा फ्लेक्सर पॉइंट हमारा होता है हर मेंबर के। ये हमारा पहला एजम्पशन हुआ। और दूसरा एजम्पशन क्या होता है, कि दूसरा एजम्पशन जो होता है कि जो हॉरिजॉन्टल शेयर होता है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल शेयर हमारा लगता है, वो क्या होता है, जो इंटरनल में जो लगता है हॉरिजॉन्टल शेयर, वो एक्सटर्नल के डबल होता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल शेयर इंटरनल कॉलम पे लगेगा, वो एक्सटर्नल कॉलम के डबल लगता है। जैसे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयर हमारा लग रहा है पी। ठीक है, तो यहाँ पे पी लग रहा है और यहाँ पे भी क्या लग रहा है, पी लग रहा है। तो जो इंटरनल होता है वो हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे जो लगेगा हमारा वो क्या लगेगा, टू पी लगेगा। ये होता है हमारा दूसरा एजम्पशन। इसी तरह यहाँ पे भी ये अगर क्यू है और ये भी Q है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 2Q हो जाएगा। तो ये हमारे दो एजम्पशन है। ठीक है, इस एजम्पशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, दोनों इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह ये जो मिड पॉइंट पे है, इसको भी हम क्या करते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, R मान लेते हैं, S मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम T, इसको हम U मान लेते हैं, इसको हम V मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, W। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स को मानने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शेयर निकालेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेयर निकालने के बाद हम धीरे धीरे बाकी सब पॉइंट्स को जो बीम पे हैं वो हम निकालेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक एक हॉरिजॉन्टल शेयर निकालते हैं पहले। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब, हॉरिजॉन्टल शेयर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेयर निकालेंगे तो क्या हमको निकालना है, पी और क्यू। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम फर्स्ट स्टोरे पे देखते हैं, फॉर स्टोरे फर्स्ट। ठीक, स्टोरे फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, या इसको टॉप स्टोरेज बोल सकते हैं। तो इस पे क्या होता है, स्टोरेज सेकंड बोल सकते हैं इसको, और ये या टॉप स्टोरेज। तो टॉप स्टोरेज पे क्या है कि जो हमारे फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये इज इक्वल टू किसके होगा, हॉरिजॉन्टल शेयर के। तो ये हमारा जो पी है, पी प्लस टू पी प्लस टू पी प्लस पी इज इक्वल टू क्या होगा, 50। क्योंकि जो ये भी पी जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इन सबको प्लस करने के बाद कितना आएगा हमारा, 6p इज इक्वल टू 50। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8.33 किलो न्यूटन। ठीक, ये हमारा आ गया p। अब हम निकालेंगे सेकेंड स्टोरी के लिए, या बॉटम स्टोरी बोल सकते हैं। अब बॉटम स्टोरेज पे निकालेंगे, तो बॉटम स्टोरेज पे जब निकालेंगे तो ये जो डायरेक्शन क्यू का है, ठीक है, इसके बाद पूरी डायरेक्शन में हमको 100 तो लग ही रहा है, साथ साथ क्या लग रहा है, 50 भी लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 प्लस 50 हो जाएगा, क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 100 प्लस 50। ठीक है, दोनों का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6Q इज इक्वल टू 150। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी, 25 किलो न्यूटन। तो ये हम क्या निकाल लिए, P और Q, P और Q की वैल्यू हॉरिजॉन्टल शेयर की निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, एक एक ज्वाइंट लेंगे, और ज्वाइंट लेने के बाद जैसे हम इसको मान लेते हैं A, ज्वाइंट A, ज्वाइंट B, ये C, ये D, ये E हो गया, ये F हो गया, G हो गया, H, I, J के और ये L। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम एक एक करके क्या करेंगे,
पॉइंट्स लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्टोरी में पूरा फोर्स निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे। तो एक एक करके क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे टेकिंग ज्वाइंट ए, टेकिंग ज्वाइंट ए। अब हम ज्वाइंट ए लेंगे, ज्वाइंट ए हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा ज्वाइंट ए। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम देखेंगे, आर लग रहा है अपर डायरेक्शन में, एक पी लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और क्या लग रहा है 50 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, ये हमारा पॉइंट ए, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ए आर लग रहा है, यहाँ पी लग रहा है और ये 50 लग रहा है, ये हमारा पॉइंट हो गया ए। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको पी पता है, ठीक है, और आर नहीं पता है, तो यहाँ से हम अननोन फोर्स आर निकाल सकते हैं। तो आर कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक, मोमेंट अबाउट ए ले लेंगे। तो जब मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो जो इसकी दूरी है आर से लेके यहाँ से, ए और आर की जो ये डिस्टेंस है ये हमारी कितनी, टोटल 5 मीटर है। तो ये मिड पॉइंट है, हमको एजम्पशन से पास हुआ था, तो ये क्या हो जाएगी 2.5 हो जाएगी, 5 का हाफ, और ये क्या हो जाएगी पी की कितना, ये 4 है टोटल, तो हाफ कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो जब इसका मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो हम ये जो आर किस तरफ लग रहा है हमारा, एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस में आर इंटू डिस्टेंस कितनी है 2.5। फिर पी किस तरफ लग रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस पी इंटू 2। अब ये जो 50 लग रहा है हमारा वो जीरो डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं मिला, डायरेक्ट ए पे लग रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे जीरो है, तो जीरो डिस्टेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 50 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे पी की, तो जो हमारी पी की वैल्यू आई थी वो आई थी 8.33 किलो न्यूटन, और क्यू की वैल्यू हमारी आई थी 25 किलो न्यूटन, ठीक। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे आर इंटू 2.5, पी आया था हमारा 8.33 इंटू 2 प्लस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम आर निकालेंगे, यहाँ से जब आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.66 किलो न्यूटन। अब ये आ गया हमारा आर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जॉइंट, दूसरा जॉइंट लेंगे, कौन सा जॉइंट लेंगे, ए के बाद कौन सा जॉइंट है हमारा, बी जॉइंट, तो टेकिंग जॉइंट बी। अब जॉइंट जब बी लेंगे तो उसका फिगर बनाएंगे, अब फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना है, तो ये बी है तो इस पर क्या लग रहा है फोर्स, कौन कौन सा लग रहा है, एक अब ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स जो एस है, ठीक, एक यहाँ लग रहा है फोर्स नीचे जो क्या है 2P है, और एक लग रहा है इसे इसका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ये क्या लग रहा है आर, ठीक, तीन फोर्स लग रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, आर भी हम निकाल चुके हैं, पी भी हमको पता है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, एस निकाल देंगे। तो ये पहले डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2.5, ये डिस्टेंस है 2, और ये भी क्या है 2.5। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट, मोमेंट अबाउट बी। अब बी के से मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट जब लेंगे बी से तो एस क्या लग रहा है, किस साइड लग रहा है हमारा, एंटी क्लॉक वाइज, तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस एस इंटू 2.5। आर क्या लग रहा है, ये भी एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा माइनस में आर इंटू 2.5। लेकिन जो पी लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, क्लॉक वाइज, तो प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पी और आर की वैल्यू रख देंगे 6.66 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 8.33। इंटू
टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एस की वैल्यू भी आ जाएगी 6.66 किलो न्यूटन। तो ये आ गया हमारा आर और एस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जॉइंट सी लेंगे। तो जॉइंट सी को पहले लेते हैं, ये देखिए ये जॉइंट सी है हमारा। तो इस जॉइंट सी पे हम जॉइंट सी लेते हैं। जॉइंट सी पे क्या आ रहा है, कौन कौन सा पॉइंट है, सी ये हो गया टी पॉइंट, ठीक है। फिर नीचे क्या है, ये हमारा एस पॉइंट, और यहाँ लग रहा है हमारा टू पी। डिस्टेंस कितनी कितनी है इसकी, यहाँ से 2.5 है, ये 2 है, ये भी 2.5, ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एस भी पता लगा चुके हैं हम, 6.66 आया था, पी भी पता है हमको, हमको यहाँ से टी निकालना है। तो हम क्या लेंगे, मोमेंट अबाउट टेकिंग, मोमेंट अबाउट सी, सी के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो टी क्या लग रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस में हो जाएगा 2.5, ठीक। एस भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एस इंटू 2.5। पी क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, तो ये 2p × 2 इज इक्वल टू जीरो। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एस कितना है यहाँ पे 6.66 × 2.5 प्लस 2 × p कितना है 8.33 × 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टी, टी की वैल्यू भी कितनी आएगी 6.66 किलो न्यूटन। तो ये हमारा अपर स्टोरी के लिए निकल गया, ठीक है। जो हमारा टॉप स्टोरी था उसका जितने भी फोर्स थे, तीनों फोर्स निकल गए। तो अब हमको डी पॉइंट हम नहीं लेंगे, डी जॉइंट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको टी भी पता चल गया है, पी भी पता चल गया है, तो अब कोई पॉइंट बचा नहीं जिसकी वजह से हम उसको लें। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर बॉटम स्टोरी पे आ जाते हैं। और फॉर बॉटम स्टोरी पे जब आएंगे तो बॉटम स्टोरी पे क्या ले देंगे, पहले सबसे पहले जॉइंट ई, टेकिंग जॉइंट ई, एक एक करके जॉइंट लेंगे और सारे फोर्स को हम निकालेंगे। तो जब जॉइंट ई लेंगे तो ये देखिए जॉइंट ई है, ये जॉइंट ई पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है हमारा यू, ठीक, ये लग रहा है हमारा पी, और यहाँ लग रहा है हमारा क्यू, तीन पॉइंट लग रहा है ई पे। अब इस तीनों फोर्स, पी लग रहा है कितने पे, 2 मीटर पे लग रहा है, क्यू कितने पे लग रहा है, यहाँ पे 6 है, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 मीटर पे लग रहा है, यू कितने पे लग रहा है 2.5 मीटर पे। अब हम इस क्या करेंगे, पी भी पता है हमको, क्यू भी पता है, यू निकाल लेंगे। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ई, टेकिंग मोमेंट अबाउट ई, e के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इंटू 2.5। पी का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, प्लस पी इंटू 2, क्यू का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू जीरो। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, यू इंटू 2.5 प्लस पी हमारा 8.33 है, प्लस क्यू कितना है हमारा 25 है, इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यू निकाल लेंगे। तो यू हमारा कितना आ जाएगा 36.66 किलो न्यूटन। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, यू 36.66 किलो न्यूटन। अब यू आ गया हमारा, यू के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लेंगे, कौन सा जॉइंट लेंगे, एफ जॉइंट लेंगे, ठीक है। तो अब हम पॉइंट लेंगे एफ, ठीक है, और यहाँ पे एफ जॉइंट ले लिए। अब जॉइंट एफ ले रहे हैं तो यहाँ ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे वी लग रहा है 2.5 मीटर पे, नीचे लग रहा है हमारा U, वो भी 2.5 मीटर पे, और यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा 2Q, ये कितने पे लग रहा है 3 मीटर पे लग रहा है। अब ऐसे ही हम करेंगे क्या, टेकिंग मोमेंट अबाउट F, F के अबाउट मोमेंट लेंगे। अब F के अबाउट मोमेंट लेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज के माइनस V इंटू 2.5, U क्लॉक वाइज है, U भी क्या है एंटी क्लॉक वाइज है, माइनस यू इंटू 2.5 प्लस 2Q क्लॉकवाइज की वजह से इंटू 3 इज इक्वल टू जीरो। सबकी वैल्यू पुट करेंगे,
तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी 6.6 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी क्या आ जाएगा हमारा 36.66 किलो न्यूटन। तो वी भी हमारा निकल गया। अब हमको लास्ट क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। तो डब्लू निकालने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग जॉइंट जी ले लेंगे, ठीक है। अब जॉइंट जी लेंगे तो जॉइंट जी पे हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये बन रहा है हमारा डब्लू, जो ऊपर लग रहा है ये 2Q लग रहा है यहाँ पे, और एक फोर्स लग रहा है वी लग रहा है, वो क्या नीचे लग रहा है, ये 2.5 पे लग रहा है, ये भी 2.5 पे लग रहा है, और ये 3 पे लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से टेकिंग मोमेंट अबाउट जी, सेम प्रोसीजर सब पे फॉलो करेंगे हम, मोमेंट अबाउट जी, ठीक। मोमेंट अबाउट जी लेंगे तो डब्लू क्या होगा, माइनस में माइनस डब्लू इंटू 2.5 माइनस वी इंटू 2.5 प्लस 2Q इंटू 3 इज इक्वल टू 0। फिर वही माइनस डब्लू इंटू 2.5 माइनस 36.66 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डब्लू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 36.66 किलो न्यूटन। तो ये हमारा देखिए डब्लू वी यू तीनों इक्वल आ रहा है, ऊपर का भी आर एस टी क्या हो रहा था, इक्वल आ रहा था। क्यों इक्वल आ रहा था, क्योंकि क्या डिस्टेंस क्या हमारी तीनों की सेम है, तो फोर्स भी हमारा मोमेंट निकालने की वजह से क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारा सब फोर्स हम निकाल दिए, सब फोर्स फाइंड कर दिए। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सियल फोर्स निकालेंगे हर एक कॉलम में। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सियल फोर्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम एक्सियल फोर्स निकालेंगे हर एक कॉलम में। तो एक्सियल फोर्स निकालेंगे तो हमको हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल फोर्स देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ए ई आई कॉलम ले रहे हैं, कॉलम क्या ले रहे हैं हम, ए ई आई ये वाला कॉलम ले रहे हैं। तो ये वाला कॉलम जब बनाएंगे तो ए पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स है, ये हमारा लग रहा है यहाँ पे आर, ठीक। ये नीचे एक लग रहा है फोर्स, फिर यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, यू लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आर और यू लग रहा है। अब हम देखेंगे इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आर, आर की वैल्यू हमारी कितनी थी, 6.66 किलो न्यूटन। तो 6.66 यहाँ पे लग रहा है, तो इस नेट फोर्स हमको क्या लगता है, उतना ही फोर्स हमारा नीचे लगता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, नेट फोर्स हमारा कितना लगेगा यहाँ पे, 6.66 किलो न्यूटन डाउनवर्ड साइड में लगेगा। अपवर्ड में लग रहा है तो डाउनवर्ड में कितना लगेगा, 6.66। अब इस 6.66 को बैलेंस किससे करेंगे हम, उतना ही फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड साइड में लगेगा, ठीक है। जितना फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है उतना ही हम अपवर्ड में लगा के बैलेंस कर देंगे। अब हमारा यू कितना आया था, यू था हमारा 36.66 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 36.66 ये है और 6.66 ये है। अब इस दोनों को जब हम प्लस करेंगे, दोनों अपवर्ड है तो दोनों अपवर्ड की वजह से दोनों क्या होगा, प्लस होगा। तो अपवर्ड फोर्स हमारा टोटल कितना लगेगा दोनों को प्लस करने के बाद, 43.32। तो उतना ही फोर्स हम क्या लगाएंगे, नीचे लगेगा, तभी क्या होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जितना फोर्स टोटल ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स हम क्या किए, नीचे लगा दिए, 43.32 किलोमीटर। अब इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक्सियल फोर्स निकल गया कॉलम ए ई आई में, ठीक है। कितना फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है इससे हम पता कर सकते हैं कि आर ऊपर इतना है तो यहाँ पे इतना फोर्स नीचे लग रहा है, इसी को बैलेंस कर रहा है उतना ही फोर्स, ठीक है। फिर ये हम यू निकाल लेते हैं, इस दोनों का प्लस क्या करेगा, नीचे उतना ही बैलेंस करेगा और यहाँ पे। तो एक्सियल फोर्स में कितना फोर्स लग रहा है हम कॉलम ए ई आई में देख लिए। अब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। तो अब हम आते हैं कॉलम बी एफ जे में। तो बी एफ जे कॉलम में आए तो बी पे देखिए आप फोर्स क्या लग रहा है, एस लग रहा है, आर लग रहा है, ठीक है। तो S लगाइए, R लगाइए, तो ये नीचे डायरेक्शन में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं F पॉइंट पे। F पॉइंट पे क्या लग रहा है, V लग रहा है, U लग रहा है, ठीक, V और U लग गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यह 6.66, X की वैल्यू क्या आई थी हमारी 6.66 किलो न्यूटन और R की वैल्यू भी क्या आई थी 6.6। तो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है और ये डाउनवर्ड, तो दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट एंड इक्वल है। तो इक्वल की वजह से यहाँ क्या लगेगा, जीरो लगेगा, ठीक, क्योंकि हम हमारा फोर्स पहले से बैलेंस है तो इसको हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगा, दोनों इक्वल और एंड अपोजिट है, तो यहाँ भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सियल फोर्स निकल गया कॉलम बी एफ जी में। अब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं,
हमारा सी जी के। तो इस कॉलम यहाँ पे भी जो फोर्स लगा जीरो, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जीरो ही लगेगा। तो ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉलम पे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, क्या नाम है, सी जी के पे। तो कॉलम सी जी के पे हमारा फोर्स सी टी लग रहा है ऊपर, एस नीचे लग रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू ऊपर लग रहा है, वी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, टी की वैल्यू हमने निकाल दी 6.66 किलो न्यूटन, और सेम हमारे एस क्या लग रही है, नीचे डाउनवर्ड फोर्स में लग रही है 6.6 किलो न्यूटन। तो ये अपोजिट एंड इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जीरो से ही ऊपर भी जीरो लगेगा इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। और यहाँ पे भी सेम के क्या करेगा, हमारा जीरो फोर्स ऊपर लगाएगा। तो ये हमारा एक्सियल फोर्स सी जी के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, डी एच एल में। तो हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम डी एच एल में। तो डी एच एल में आते हैं, तो टी की जो हमारी वैल्यू थी, टी क्या थी हमारा, 6.66 था किलो न्यूटन, ठीक। डी पॉइंट पे डब्ल्यू कितना था हमारा, डब्ल्यू था हमारा 36.66 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्स दिख रहा है, टी और डब्ल्यू। तो टी है डाउनवर्ड में कितना लग रहा है, 6.66। तो इसको हम क्या करेंगे, नेट फोर्स हमारा कितना आएगा, जो नेट फोर्स नीचे लगेगा वो भी 6.66 ही लगेगा, ठीक। अब नेट फोर्स नीचे डाउनवर्ड में 6.6 लग रहा है, तो यहाँ पे अपवर्ड में भी कितना लगेगा, सेम फोर्स लगेगा इक्विलिब्रियम में लाने को। और फिर जो हमारा 36.66 लग रहा है नीचे, और ये क्या लग रहा है हमारा, अपवर्ड साइड में लग रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे हम, ये डाउनवर्ड अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, अगर दोनों एक ही साइड में रहते ऐड कर देते, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, तो कितना आएगा, ये 36.6 में से 6.6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 30 क्या लगेगा हमारा, नेट फोर्स लगेगा जो नीचे साइड लगेगा, और 30 को हम इसकी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 क्या लगेगा, ऊपर लग जाएगा। तो ये था हमारा एक्सियल फोर्स कॉलम में डी एच एल में। तो ये हमारा टोटल क्या हम निकालते हैं, अगर क्वेश्चन आया कि फ्रेम बाइपोडल मेथड निकालने के लिए, तो एनालाइज करने के लिए फ्रेम को, तो हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस निकालते हैं। फोर्सेस निकालने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, एक्सियल फोर्स हम उसका निकाल के, हर एक एक तीनों कॉलम का, चारों कॉलम का निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता है। तो ये था हमारा पोर्टल मेथड। अगर हमको आप हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।